हेलो गाइस, तो आज हम आपको मैथ के कुछ क्वेश्चन बताएंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, 8 सही 1/2 फिर 3 सही 5/8। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए पहले इन सबको जोड़ लेंगे। 8 दूनी 10, 8 16, 16 1 17 16 17/2, फिर प्लस 8 का 2 24, 24 पे 5 जोड़ देंगे तो 29 आएगा, 29/8। फिर एलसीएम इज इक्वल टू, इसका एलसीएम निकालेंगे, हमने एलसीएम निकाल लिया है। फिर अब इसको हम सॉल्व करेंगे। बड़े वाले ब्रैकेट में 17/2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं रहेगा, इनटू रहेगा, ठीक है, इंटू 4/4। फिर बड़े वाले ब्रैकेट में 29/8, फिर इंटू 1/1। अभी हम सॉल्व करेंगे। 7 17 14 17 21 17 64 68, यहाँ पे 68 आ गया। फिर अपॉन 2 4 2 8, ठीक है, 4 2 8। फिर 29 का पहाड़ पढ़ेंगे, 29 एकम 8। फिर इज इक्वल टू 68 - 29/8 इज इक्वल टू, 68 में 29 को माइनस करेंगे तो 37 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। मेरा आगे का सवाल है, क्वेश्चन नंबर टू जैसे हमारा है, हमारा दूसरा सवाल है 2/9, 3/3, 8/21। इसको हम सॉल्व करेंगे। हम पहले इसके एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इज इक्वल टू 9, 3, 21 इज इक्वल टू 63। हमने इसका कॉमन, मतलब हमने इसका एलसीएम निकाल लिया है। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। 29 2/9 × 7/7, फिर कॉमा 2/3 × 29/21, फिर कॉमा 8/21 × 3/3 इज इक्वल टू 7 2 14 9 7 63, फिर कॉमा 21 2 42, 21 3 63, फिर 8 3 24, 21 3 63 इज इक्वल 42 उल्टा कर देंगे, जैसे 42/63, 24/63, 14/63, ठीक है। तो 14 2 42, 7 2 14, फिर 21 3 63, 7 3 21, फिर 8 2 8 3 24, फिर 63 21, फिर 7 2 14, फिर 21 या 7 9 63, इज इक्वल टू 2/3, 8/21, 2/9, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। जैसे हमारा अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 1/5
कॉमा 3/7 कॉमा 7/10। इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, 5, 7, 10 इज इक्वल 17। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे, 1/5 इंटू 14/14, फिर 3/7 इंटू 10/10, फिर 7/10 इंटू 7/7 इज इक्वल 14 × 14 = 75 = 70, फिर 7 × 30 फिर 70, फिर 7 × 49 10 और फिर यहाँ पे 70 रहेगा, फिर 10 × 70। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, उल्टा कर देंगे पहले सवाल को, ठीक है, 30/70 फिर 14/17 फिर 7 × 49 10 × 70 56 3 × 30 या 75 या 7 × 14 फिर 7 × 14 या 2 × 2 10 × 7 = 70 या 5 × 10। तो हम इसको लिख लेंगे, 10/7/10 कॉमा 3/7 कॉमा 1/5। ये हमारा आंसर हो गया। हमारा अगला सवाल है लेंथ एंड ब्रेथ, इसको हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसको हम करेंगे, लेंथ इज इक्वल टू 1/2 25/2 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 10 × 2/3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 32/3 सेंटीमीटर, फिर फिर पर मीटर ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू इंटू ब्रैकेट में 25 × 2 प्लस 32 × 3 फिर इज इक्वल टू इंटू 75 + 64/6 फिर इज इक्वल टू इंटू 139/6 2 × 2 और 13 × 13 3 × 6 इज इक्वल 139/3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमने इससे बताया है आपको कि मतलब हमने इसको आधा ही किया है कि किसके ऊपर हमें इतना उतारना जो कि हमने नहीं उतारा है। आप चाहे तो उतार सकते हैं, नहीं उतारना रहेगा तो आप नहीं उतार भी सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो हमने इसमें मतलब पहले हमको ये लिखना था, फिर ये लिखना था, फिर ये लिखना था सॉल्व में, फिर हमको शुरू करना था, लेकिन हमने क्या किया है कि सिर्फ सॉल्व करना शुरू कर दिया है। तो आप चाहें तो ये तीनों लाइन लिख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों मतलब हमने बताया था कि सवाल को पूरा करने के लिए सवाल को फिर से लिखना रहता है। ठीक है।